हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टियाज ग्रीन कॉरिडोर एंड मैं हूँ टिया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। ये सुंदर सा फूल देखिए, ये येलो कलर का स्थल लोटस मन लैंड लोटस है। कितना खूबसूरत है देखिए, इसमें कई सारे कलियाँ आए हुए हैं। तो एक साथ तो सब लोग नहीं करते, एक दो करके, पहले भी इसमें दो तीन हुए थे तो मैंने कैप्चर नहीं किया, आज मैंने किया है देखिए। तो कई दिन वीडियो ना बनाने का कारण यही है कि ये देखिए मेरा ये साइड जो पहले मेरे परमानेंट प्लांट से भरे हुए थे, अभी इनमें ये पूरा एरिया में मैंने विंटर प्लांट्स शिफ्ट किए हैं। तो मेरे पास तो बहुत रोजेज़ हैं, तो अब रोजेस का वेदर चेंज हुआ है तो रोजेस को ट्रिम करके, देखिए ट्रिम किया उसके बाद नए पत्तियाँ आ गए, तो ट्रिम करके फूल भी आ रहे हैं नए, इनको ये साइड सब कर लिया। और मेरे गुलदाउदी देखिए, क्रिसेंथमम कई सारे खराब हो गए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रहा है और अभी वेदर फोरकास्ट है कि और भी ज़्यादा होगा। तो ये साइड पूरा मेरा कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक जोड़ा भी ये वाले भी रखा है, स्टार गेंदा बोलते हैं इनको, और ये हमारे देसी वैरायटी के गेंदा है, और एक जोड़ा भी बहुत खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है। तो ये साइड कुछ ऐसा किया है। तो चलिए अब हमारे परमानेंट प्लांट की तरफ जाते हैं। तो परमानेंट प्लांट तो अभी बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं, जैसे कि आज देखिए कितना खूबसूरत कलर का हिबिस्कस है। और मेरे फर्स्ट लव में देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं, कितने सारे। गोरी चोरी भी बहुत अच्छे से ब्लूमिंग, कल तो बहुत सारा था, आज झड़ गया है। और ये लैंटेना देखिए, ये तो जैसे बारिश में और बहुत बड़ा प्लांट हो गया, और इतना खूबसूरत हो रहा है, इतना ब्लूमिंग पे है, देखिए कितना सारा। ये ऊपर देखिए, मैं ये अलग से एक दिन वीडियो करूँगी, ऊपर मेरे सारे बोगनविलिया ब्लूमिंग पर है, बहुत अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। इन प्लांट्स को मैंने इस तरफ किया है, ये भी हटा लूँगी, थोड़ा वेदर ठीक होने देंगे बारिश का, अक्टूबर के एंड में ये सारा, क्योंकि विंटर का सब बहुत ज़्यादा प्लांट्स होने वाला है तो विंटर के लिए जगह बनाना पड़ेगा। अभी देखिए लोटस काफ़ी कम होने लगे हैं, अब इनका टाइम चला जाएगा। तो अभी देखिए एक कली आया हुआ है, एक बर्ड, अब चलते हैं इस तरफ। ये जो सेटिंग था मेरा गणपति बाप्पा का, और ये पहले उस तरफ हुआ करता था, तो इसी को हटाकर इस तरफ कर दिया है। ये एरिया तो मेरा परमानेंट फ्लावर से ही रहेगा, क्योंकि हटाने के लिए रखने के लिए तो जगह नहीं है, क्योंकि ये सारे हिबिस्कस है और रेगुलर पूजा करने के लिए बहुत फूल लगता है, तो इनसे काम हो जाता है। ये कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए, और मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी लगाया है, तो और भी कई सारे लगाने का प्लानिंग है, लेकिन ये बारिश सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। बारिश थोड़ा कम हो जाए तो मैं जस्ट कलर देखिए एक एक। और ये वेदर में मैंने देखा है हाइब्रिड जो है हिबिस्कस वो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। देसी वैरायटी तो खिल ही रहे हैं और हाइब्रिड कई सारे, पिछले वीक में इतने सारे अलग अलग कलर के खिले, लेकिन वेदर के वजह से बिल्कुल हुआ नहीं। ये मेरे कोलियस देखिए कितने सुंदर हो गए, इसको भी देखिए, ये भी क्यों बाकी रहे, बहुत अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है देखिए कोलियस, कोलियस भी। और मेरे जीनिया में भी कलियां आ गए हैं, ये जीनिया का प्लेस चेंज करना पड़ेगा,
कि इस एरिया में इसको कम स्पेस मिल रहा है। तो ये देखिए मेरा छोटा सा वेजिटेबल अभी शुरू हुआ है, जो गार्डनिंग मैंने शुरू किया है। ये बैंगन में देखिए फूल आ गए हैं, ये वाले 5 बैंगन का पौधा लगा है। और ये मिर्ची देखिए आ भी गए, कितने सारे मिर्ची हुए देखिए। और टमाटो के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब इनको सपोर्ट देना पड़ेगा, देखूंगी ये करूंगी। और हमारे यहाँ वेदर फोरकास्ट फिर से हुआ है कि फिर से यहाँ साइक्लोनिक वेदर होने वाला है, बहुत बारिश होगा। तो अभी फिर से पता नहीं मैं मेरे प्लांट्स का क्या होगा। तो यहाँ तो मेरे फ्रूट्स के सारे हैं, मैं फ्रूट्स के ऊपर एक अलग दिन वीडियो बनाऊंगी। तो यही कुछ चल रहा है मेरे गार्डन में। होप आप सब लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। मैं इसके साथ आपका बोगनविलिया का थोड़ा क्लिपिंग लगा देती हूँ। ये देखिए मेरे बोगनविलिया बहुत सारे खिले थे, सारे झड़ गए बारिश के वजह से। अब ये विंटर आएगा तो इनमें फिर से बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगा। वैसे तो ये 12 महीने ब्लूम करते हैं, लेकिन विंटर में बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग पे आते हैं। ये देखिए ये मेरा ऊपर वाला छोटा सा गार्डन है। ये एडेनियम देखिए कई सारे हैं, ये कई सालों के एडेनियम है। इनका कोटेक्स देखिए कितना बड़ा है, नीचे स्पेस कम होने के वजह से मैंने अपने सारे प्लूमेरिया को कुछ यहाँ पर ऊपर हटा लिया। और ये जो गुआवा के प्लांट्स हैं इनको भी ऊपर कर लिया है। ये ऊपर से व्यू देखिए, ये है मेरे गार्डन का व्यू। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके बाय।